हम सारी जिंदगी मुहर्रम के अय्याम में खड़े होके और बाकी साल के अय्याम में खड़े होके सिर्फ हुसैन हुसैन ही ना करते रहें, बल्कि हम अपना जायजा लें कि हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारे आमाल हैं, जो हमारे अफआल हैं, जो हमारा तर्ज हयात है, हमारा जो अंदाज़े मुआशरत है, वो यजीद के करीब है या हुसैन इब्ने अली के करीब है। हम यजीद की जिंदगी का अक्स भी देखते हैं और हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का नक्शा भी हमारे सामने है, और फिर इन दोनों नक्शों और दोनों आइनों के सामने हम अपना वजूद रखें और हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हम अपने किरदार को और अपनी जिंदगी के शबो रोज को, अपने तर्ज हयात और अंदाज़े मुआशरत को हुसैन इब्ने अली के अखलाक का परतव देखते हैं और उनके साया आतफत के अंदर और उनके अखलाकियात के जमाल का अक्स हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो फिर हम शुक्र करें। लेकिन अगर हमारी सारी करतूतें यजीद वाली हैं, हमारा तर्ज मुआशरत यजीद वाला है, तो फिर नाम हुसैन लेना सवाए मुनाफकत के और कुछ नहीं हो।